मैंने पहले भी कहा कि मेरी नाराजगी आदरणीय राहुल जी या प्रियंका जी से नहीं है, मेरी नाराजगी स्टेट लीडरशिप से। और वो नाराजगी क्या है कि यह चुनाव का समय अब बहुत कम बचा है, और ऐसे समय में जो सच्चे और मजबूत लोग हैं उनको साथ मिलकर उनको जगह देनी चाहिए। चाहे वो तापी का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो गांधीनगर का हो सकता है, चाहे गुजरात का हो सकता है। जो लोग गांव के लेवल पे काम करते हैं पार्टी की मजबूती के लिए, उनको मौका दीजिए। चुनाव का समय है, गांव में जाइए, शहर में एक संघर्ष कीजिए, बस यही बात है। नाराजगी तो देखिए परिवार में रहते हैं तो सवाल होते हैं, बातचीत होती है। मैंने पहले भी ये क्लियरिटी कर दी है कि इस मामले में कोई ज़्यादा अफवाहें ना फैलाए। और एक कहावत भी है कि किसी ने कहा कि हार्दिक की तबीयत खराब है, हकीकत में हमारी तबीयत खराब नहीं थी, लोगों ने पूछ पूछ के खराब कर दी। आप भाजपा में जो जा रहे हो, ऐसी बातें चल रही है, कितनी बात सच है? देखिए लोग बहुत कुछ बातें करेंगे। मैंने जब अमेरिका में जॉन बाइडेन चुनाव जीते तो मैंने उनकी तारीफ की, क्योंकि उनकी जो वहां की वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया की थी। तो क्या मैं जॉन बाइडेन की पार्टी में घुसने वाला हूँ? अगर दुश्मन कोई अच्छा भी हो और उसकी कोई तारीफ करने वाली चीज हो तो हमें राजनीति में वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो निर्णय शक्ति पावरफुल करते हैं तो हमें भी पावरफुल निर्णय लेने पड़ेंगे ना, तुरंत निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर समय व्यतीत करोगे तो लोग उससे दूर भागते हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, जो पार्टी की मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे नौजवानों को बस जगह मिले, यही मेरी बात है। और वो बात मैं खुल के कहता हूँ, लोकतंत्र में यही तो फ्रीडम है कि आप पापा से भी सवाल कीजिए, सत्ता से भी कीजिए और अपने लोगों से भी कीजिए।